Hello friends, welcome to Impact Sports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. First of all, again, thank you so much. I am back with one more question, जो कि आज पूछा है कुणाल भरद्वाज जी ने. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है. पूछते हैं, एक्सपोर्ट एजेंट या ब्रोकर कैसे और कहाँ मिलेंगे? So, कुणाल जी, thank you so much for asking these questions. बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं या कंपनीज रहती है जो कि डील करना चाहती है एजेंट्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू. सो फ्रेंड्स, मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि जितना डिपेंडेंट आप ब्रोकर या एजेंट के ऊपर रहेंगे, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, थोड़ा मेहनत आप अपने एंड से भी निकाल लीजिए. क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपको कितने रुपए ब्रोकर को देने हैं, कब देने हैं, वो जितने मांगेगा उतने देने हैं या उसमें नेगोशिएट करना है. क्योंकि कुछ ब्रोकर्स एडवांस में मनी लेते हैं और कुछ ब्रोकर्स ऐसे होते हैं जो कि आपका डील खत्म हो जाने के बाद उनका कमीशन लेते हैं. यस, सो बट आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको कितना कमीशन देना है या ब्रोकरेज देना है. एटलीस्ट वो आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे वेरी करता है फ्रेंड्स. सो मैं आपको आज एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं. मैं आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, बट आपको प्रोसेस समझ में आनी चाहिए कि वो प्रोसेस कैसे फॉलो होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की. अगर आप एक्सपोर्ट फील्ड में जा रहे हैं, आप एजेंट ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, बट उसके पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि आप कौन से प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं. वो प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको, उसका साइज क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, मॉइस्चर कितना निकलेगा, एक्स वाई जेड. जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के रिलेटेड ए से लेकर जेड तक आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि बायर आपसे आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकता है. यस, और वो आपको इंफॉर्मेटिव फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए. So most important product knowledge, product और product का knowledge जो कि आता है इसके अंदर HS code भी. HS code क्या होता है product knowledge में, कि आपके particular product का एक code define होता है, वो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा dgft.gov.in की website से, plus commerce.gov.in की website से और इंडियन ट्रेड पोर्टल डॉट इन की वेबसाइट से. ये तीन वेबसाइट से आप अपना HS कोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्लस आपके प्रोडक्ट के लिए ही आप प्रोडक्ट नॉलेज में आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कौन सा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या बोर्ड, या बोल सकते हैं कि कौन सी आपको मेंबरशिप लेनी है आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो आप ये तीनों वेबसाइट से ही यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये पूरा कवर होगा प्रोडक्ट नॉलेज में. इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जाता है. एक बार आप सिर्फ उसको गो थ्रू करिए, जितनी डीप में जाएंगे उतना इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा. क्योंकि बायर भी आपको वही सेम क्वेश्चन पूछेगा और ब्रोकर और एजेंट भी आपको कोई ना कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे. क्यों? क्योंकि वो बायर के बिहाफ में आपसे बात करेंगे. तो आपको भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए. जब प्रोडक्ट नॉलेज आ जाता है, तो ये वाला प्रोडक्ट आपको कौन से मार्केट में जा रहा है, वो मार्केट एनालिसिस करना है आपको. कितने रुपए में जा रहा है, वो एनालिसिस करना है आपको. तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट का नॉलेज, वो कौन से मार्केट में जा रहा है, ये मार्केट में जा रहा है तो ये मार्केट में कौन सा B2B पोर्टल चलता है फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग. अगर आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करना है, तो वो पर्टिकुलर टारगेट कंट्री में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. So that comes to international marketing. International marketing हो जाता है, उसके बाद में आता है आपका buyer finding. और मैं आपको बोल दूं कि buyer finding के पहले एक हमारे पास terms होती है, जो कि बहुत से freshers लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, जिसे हम कहते हैं international commercial terms. ये क्या decide करती है? It's a delivery terms, जो डिसाइड करती है बायर और सेलर की रिस्क, कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. बायर की कहां से शुरू होगी और सेलर की कहां तक रहेगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. बायर आपको बोल देगा कि नहीं, मेरे घर तक छोड़ के जाओ, तो आप उसके घर तक छोड़ के जाओगे?
कैसे जाओगे? बिकॉज यू डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, देन हाउ यू विल गेट टू डू दिस? हाँ, आप बोलोगे मैं तो सीएचए को हायर कर लूंगा, कर लो सीएचए को हायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना कॉस्टिंग आप अपने उसको बायर के वेयरहाउस या बायर का जो भी फैक्ट्री है वहां तक पहुंचाओगे, उतने में आप दूसरा बायर आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां पे आपको लिमिटेड ही रखना है, क्योंकि आपके पास भी बजटिंग रहता है फाइनेंस का, तो वो भी आप कैलकुलेशन करके चलिएगा। जब आपका बायर आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करना है आपको वो भी मैटर करता है। उसके बाद आपका आएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट सील डीड आपका जो है वो डिफाइन होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने रहेंगे फ्रेंड्स, जब भी आप एजेंट्स के साथ डील करो, या फिर आपको बेसिक टर्म्स जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पता होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद ब्रोकर और एजेंट। ये आपको कोई भी B2B पोर्टल होते हैं वहां से भी मिल जाएंगे, ये आपको इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं वहां से भी मिल जाएंगे, प्लस आप गूगल पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा जो मैंने आपको चांस बताई है, कुछ पॉइंट्स बताए हैं, वही सेम क्वेश्चंस को आपको रेडी रहना पड़ेगा, और जो भी वो पूछ रहा है बायर या एजेंट उसको आपको बताना रहेगा। सो आई होप कुणाल जी मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर दिया है, अगर आपको और भी कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।